शेगांव की नवीन प्राथमिक सीएम राइज स्कूल में 3 माह बीतने के बाद मूलभूत समस्या बनी हुई है। इसी के चलते पालकों ने सीएम राइज स्कूल पहुंचकर खरगोन एसी प्रशांत आर्य को बुलवाकर मूलभूत समस्या से अवगत कराया। ड्रेस, बस, पुताई कमरे, मैन गेट एवं नाली निर्माण संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर एसी आर्य ने सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण कर स्कूल की पुताई, नए बोर्ड, मैन गेट लगाने, प्राथमिक विद्यालय को सीएम राइज स्कूल में मर्ज करने के बीईओ संदीप कापानीस, बीआरसी हरिश्चंद्र खेड़ेकर को निर्देश दिए। वहीं जनपद सीईओ डॉक्टर रीमा अंसारी से भी नाली निर्माण संबंधित और कमरों को लेकर चर्चा की गई। उनके द्वारा शिक्षकों की लापरवाही भी बताई गई, जिस पर खरगोन एसी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए, सीएम राइज स्कूल में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। उनका भविष्य की दौर चिंतन करते हुए भविष्य के लिए आए थे, क्योंकि उनका भविष्य अभी अंधकार में दिख रहा था। हमने बहुत प्रयास किया कि भाई सारी शिक्षक की व्यवस्था, बाकी जो मूलभूत व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी तक उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। इस वजह से फिर हम सारे पेरेंट्स मिलकर आज उस चीज़ की सुधार के लिए स्पेशली यहाँ आए हैं, और हमने यही मांग की है कि भाई बच्चों का जो शिक्षा के प्रति जो मतलब शिक्षा है उसमें थोड़ा सा और क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? इसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो बच्चों के खेल खुली के लिए गेट बनवाना है, जो आसपास की सफाई है उसके लिए बोला है, बच्चों के जो एजुकेशन के लिए जो शिक्षक की कमी थी वो शिक्षक की कमी पूरी की जाएगी, और उसके बाद में और भी बहुत सारी जो मूलभूत व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी वो व्यवस्था पूरी होगी। क्या नाम है? तो मैं दीपक पाटीदार, दसनावास। शिक्षकों के संबंध में समस्या बताई गई थी कि यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे जितने पास स्वीकृत है उसके अंदर शिक्षक हैं, फिर भी अगर कहीं शिक्षक की कमी लगती है या आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्कूल गेट की मांग हुई है, और स्कूल गेट के लिए अवगत कराया गया मेरे को, और इसके लिए मैंने निर्देश दे दिए कि तत्काल इस पर स्कूल गेट लगाया जाए, विद्यालय जो मत होता उसका उपयोग करते हुए व्यवस्था की जाए। सर, तलबपुरा में बालक छात्रावास में चपरासी नहीं है, वो प्रबंधक ही खुद साफ सफाई कर रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? कौन सी संस्था उसका बताइए मुझे। सर, बालक छात्रावास जो मेन रोड पर है उसका मैं देखवा देता हूँ, अगर वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है हम करवा देंगे। क्या नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।